बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है फिर से होंगे तो एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वेको T3WV770। आज हम इसका FRP बाईपास करेंगे, वो भी UMT के डोंगल की मदद से। इसका एंड्रॉयड वर्जन है 11, तो ये बाईपास नहीं हो रहा था, तो आज हम इसको UMT से इसका FRP रीसेट करेंगे। तो यह सिंपल रीसेट FRP पर क्लिक करें और स्टार्ट पर क्लिक करें। आपको अपने फ़ोन को कोई भी बटन प्रेस ना करके USB कनेक्ट कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने स्टार्ट पर क्लिक कर दिया है। अब मैं अपने फ़ोन को मैंने अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर दिया है और सिंपली मैं कोई भी वॉल्यूम प्रेस ना करके सिंपली USB को कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये आपके सामने इसमें हमारे फ़ोन को पोर्ट इंटर बूम मोड में कनेक्ट कर दिया है। इसका एक क्लिक पर इसका FRP रीसेट हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई भी वेको का फ़ोन आए तो इसका जो ना CPU है MT6765। तो आज हम इसको UMT के थ्रू बाईपास करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है और आज हम देखते हैं कि इसका ये FRP रिमूव करता है कि नहीं। ये बिल्कुल UMT का लेटेस्ट सेटअप है। तो ये आप देख सकते हैं, हमारा फ़ोन सक्सेसफुली जो है रिबूट हो चुका है और अब हम देखते हैं कि इसका FRP रिमूव हो चुकी है कि नहीं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह नई नई सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियो इस चैनल का पर आपको मिल जाएगी। तो यह आप देख सकते हैं, मैं सेटअप कर देता हूँ। आप भी इसी तरह अपने फ़ोन का सेटअप कीजिए। तो मैं अपने फ़ोन का सेटअप कर देता हूँ और हम देखते हैं कि इसका FRP रिमूव हो चुकी है कि नहीं। ये मैंने बहुत से जो है ना टूलों पर ट्राई किया लेकिन ये नहीं हो रहा था। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।